मशहूर टेलीविजन शो बिग बॉस से सुर्खियों में आई एक्ट्रेस और कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी अर्चना गौतम विवादों में आ गई हैं। अर्चना गौतम ने कांग्रेस में प्रियंका के निजी सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें लेकर खासी नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने अर्चना गौतम के खिलाफ SSP ऑफिस में शिकायत पत्र भी लिखा है और आरोप लगाया है कि अर्चना पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अर्चना गौतम के लामबंद होकर SSP दफ्तर में शिकायत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से निष्कासित अर्चना गौतम पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लेकर गलत आरोप लगा रही है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर निशाना साधा जा रहा है। अर्चना का कांग्रेस से सब कुछ अब छिन चुका है। कांग्रेस से अब कोई भी लेना देना नहीं है। कांग्रेसियों की मांग, पार्टी से निष्कासित लोगों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच की जाए, ये है। पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लेकर यहां पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस को, इस तरीके का आरोप अर्चना गौतम पर लगाया गया है। इससे पहले अर्चना गौतम का एक वीडियो सामने आया था जो कि तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता अर्चना और उनके पिता के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे थे। और ये वीडियो दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर का है। दावा यह किया जा रहा है कि अर्चना गौतम यहाँ महिला आरक्षण को लेकर प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दफ्तर में घुसने ही नहीं दिया। वीडियो में अर्चना गौतम गुस्से से चिल्लाती हुई दिखाई दे रही हैं और पिता ने हाथ जोड़े हुए हैं। बता दें, अर्चना ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव में यूपी के हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी साल मार्च के महीने में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी अर्चना ने लगाए थे और मेरठ में केस भी दर्ज कराया था।